nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined by esteemed guests in our studios today. We got Ajit Chauhan ji from the Bharatiya Janata Party. Ajit Chauhan ji, namaskar, welcome to the show. Ajit Chauhan ji, namaskar. We got Balaji Gare Patil from the Indian National Congress. Balaji Gare Patil sahab, namaskar, welcome to the show. Namaskar, namaskar. Akhilesh Kathiar sahab, namaskar, welcome to the show from the Samajwadi Party. Akhilesh Kathiar ji, welcome to the show. बदलने वाले हैं और टोटल एक रिफॉर्म प्रोसेस होगा जम्मू एंड कश्मीर में. राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया, बोले कि स्टेटहुड हम चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में. और कांग्रेस मायावती ने यह भी कहा, एमवीए ने कहा कि फ्लड्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो फ्लड्स हुआ है उसमें महायुति हैज फेल्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स. और अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर इतने कॉन्फिडेंट है बुलडोजर पॉलिटिक्स में तो खुद का पार्टी बनाए और बुलडोजर के नाम पर जीत के आए. फर्स्ट वील स्टार्ट विद यू अजीत चौहान जी. अजीत चौहान जी, अमित शाह जी ने आज कहा जम्मू एंड कश्मीर टूवर्ड्स डेवलपमेंट. आज उन्होंने कहा हमने टेरर हॉटस्पॉट्स को टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में बदल दिया है, हमने ट्रांसफॉर्म किया जम्मू एंड कश्मीर को. अजीत चौहान जी, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया राहुल गांधी कांग्रेस अलायंस विद फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस. बोले राहुल गांधी चुप क्यों हुए अबाउट वेर इश्यूज टू आर्टिकल 370. अजीत चौहान जी, प्रदीप सर, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद की चौथी पीढ़ी इस चर्चा में हम बैठे हैं. मेरे कौन से साथी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, कौन से साथी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, मैं किस पार्टी के लिए काम करता हूं, ये चीज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती. मेरे लिए ये चीज मायने रखती है कि इस देश का कश्मीर है कि नहीं. मेरे छोटा सा कस्बा है मेरा महाराष्ट्र में, वहां से लेके तो हम सारे लोगों के शहर से, गांव से, गली से कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होगा कि जो कश्मीर में शहीद हुआ होगा. मेरे खुद के भाई साहब एज अ ऑफिसर आज के दिन अभी कश्मीर में इंडियन आर्मी के लिए वहां पे देश के लिए खड़े हैं. मुझे ऐसा लगता है जब चुनाव आते हैं राजनेता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां खास करके कांग्रेस ऐसी बातें करते हैं, सोचने की बात है. प्रदीप सर, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के देश की जनता के सामने जाना चाहूंगा. जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये कहकर बड़ी हुई पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं. हम 370 फिर से बहाल करेंगे. हम जिस स्थिति से इतनी मेहनत मशक्कत के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह ने कश्मीर की जनता को वहां से निकाला, फिर से उसी 70 साल की अंधेरी खाई में हम कश्मीर को वापस दे देंगे. मुझे बहुत सारी बातें, जैसे जमीयत ने कहा है कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, क्या मतलब आश्चर्य लगता है कि जमीयत जैसे लोगों को जमहूरियत का सपना आने लगा? भाई ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है? मतलब सत्ता के दीवाने किस कदर बदल जाते हैं. इन लोगों ने 70 साल वहां पे किस तरीके का खूनी खेल किया. और ओपनली प्रदीप सर, मैं संविधान को मानता हूं, धर्म से बड़ा देश मानता हूं, क्या ये लोग ऐसा मानने वाले हैं? इन लोगों ने कश्मीरियों को मुसलमानियत इस्लाम के नाम पर ये कहा कि तुम भारत का साथ छोड़ दो. उसके लिए वर्ल्ड के कहां कहां से उनको पैसे मिलते रहे, उनके लीडर्स क्या क्या बयानबाजी करते रहे, ये सब हमने देखा. ये सारे लोग एक तरफ है. और मैं बिल्कुल पार्टी लाइन से हटके मैं तारीफ करूंगा उमर अब्दुल्ला की. मतलब आपको कभी तो भूमिका लेनी होगी, और कश्मीर भारत का है, हम सबको ये भूमिका लेनी होगी. इलेक्शंस आएंगे तो क्या वोट पाने के लिए हम अपने देश को भेज देंगे, हम अपनी धरती को भेज देंगे, हम उसूलों को भेज देंगे, हम संविधान के खिलाफ जाकर के वहां काम करेंगे?
क्या इस देश के घर घर से जो बलिदान कश्मीर के लिए हुए इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के, उसकी हमको कोई कीमत नहीं है? क्या हम कश्मीर को उसके हालत पर छोड़ देंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने 70 साल संघर्ष इसलिए भी किया था कि कुछ गलतियां थी हमारे पुरखों की, खासकर की कांग्रेस के आला नेताओं की, जिन्होंने कभी शेख अब्दुल्ला के प्यार में कभी कुछ अलग अलग गलतियां हम करते रहे, पूरा कश्मीर आज हमारा होता अगर कांग्रेस ने ठीक से उस समय डिसीजन लिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा 370 को हटाने के बाद खुद कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, इन्होंने खुद जाकर के देखा किस तरीके से कश्मीर बदला है। और आए दिन भारत की जनता जब आज कश्मीर जाती है, और ये लोग कई बार आरोप करते रहे कि वहां पे वापस सरकार नहीं आएगी, हर तरीके के प्रयास है, हर तरीके की कोशिश है, और मुझे लगता है कि जम्मू की आवाम, लद्दाख की आवाम, इनकी आवाज आप नहीं सुनेंगे। और भारत के लोह पुरुष अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया है, और इलेक्शंस में भी हम करके दिखाएंगे जनता का विश्वास जीत करके। कश्मीर को क्या चाहिए सर? कश्मीर को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कश्मीर में इंडस्ट्री आनी चाहिए, कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, कश्मीर में शांति आनी चाहिए, कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, कश्मीर की युवतियां, बच्चे, युवा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए, कश्मीर के लोगों को पूरे देश से जोड़ने के लिए कश्मीर में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा एनडीए की सरकार ने जो काम वहां पे खड़ा किया है, सब लोग, आप कश्मीर जाते होंगे तो आप सबने कुछ देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय राजनीति से परे है, पर कांग्रेस यहाँ पर बार बार गलतियां करती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ने के बाद इस देश का कोई भी युवा है, स्वाभिमानी है, अगर राष्ट्रभक्त है, तो उसका खून खोल उठेगा सर। बस वेलकम चौहान साहब, वी हर्ड बालाजी गड़े पाटिल जी, यू हर्ड चौहान साहब, आप सुने चौहान साहब को, आप जी, जी. आप साइलेंट हो, आप स्टेटहुड मांग रहे हो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बट आप साइलेंट हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेरियस इश्यूज पे, जहां उन्होंने कहा रिस्टोर करेंगे आर्टिकल 370-35 है, डायलॉग विद पाकिस्तान, LOC विद पाकिस्तान, ट्रेड विद पाकिस्तान, तो आप चुप क्यों हो बालाजी गड़े पाटिल साहब? नहीं, अभी हमारे अजीत चौहान साहब, भाजप के प्रवक्ता ने जो यहाँ पे जो कहा, हाँ हाँ, तो वैसे कोई डेवलपमेंट कश्मीर में पिछले सालों में नहीं हुआ है। वहां पे अभी लद्दाख और कश्मीर की बात यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे। अभी सोनम वांगचुक जी वहां से बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकाल के लद्दाख को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मांग रहे है, और वहां पे लोगों के मानवाधिकार छीने गए है, लोगों का फ्रीडम छीना गया है। कई साल, कई महीने, अभी भी बहुत सारी जगहों पे वहां पे इंटरनेट की सुविधा ही नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी हमेशा से जम्मू कश्मीर के मुद्दे के माध्यम से देश का ध्यान हटाना चाहती है, जो देश के बुनियादी सवाल है उस मुद्दों के ऊपर से। तो ये सब हमेशा बीजेपी इस झूठे बातें करती आ रही है। मैं महाराष्ट्र के फ्लूइड के बारे में बोलना चाहूंगा, बोलिए बोलिए, क्योंकि मैं उस मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी उसी वजह से मुझे लेट हुआ है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से अभी महाराष्ट्र ने महायुति, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त, उससे जरा पूछिए ना प्लीज। जी सर, बोला ना सर, वहां पे कश्मीर की समस्या के बारे में अभी बोलेंगे। कश्मीर में लोगों का जनजीवन बीजेपी ने पूरा उनका मानवाधिकार छीन लिया है। सोनम वांगचुक जी का जो आंदोलन है वो देखिए, उसके ऊपर जवाब दीजिए मेरे भाई, तो मैं जवाब के लिए बैठे थे, सोनम के लिए बैठे थे, इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा वो मांग रहे हैं, जो किसान बह के जा रहा है, उनको ताकत दे करके कई शक्तियां हैं वो ऐसा खड़ा कर रही है। कोई भी इंसान जो देख सकता है, जो समझ सकता है, वो कश्मीर के बदले हालातों पे बात करेगा मेरे दोस्त। वांगचुक सोनम वांगचुक जो मांग रहे है उसको क्या बाहरी शक्तियां ताकत दे रही है अजीत सर? मेरे भाई, आप और मैं, हम दोनों युवा है, हम समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोनम वांगचुक जी जो चाह रहे हैं वो देने की कोशिश ही तो चुनाव है मेरे भाई, पर बदलाव नहीं आया कश्मीर में। आप ये कह रहे हो, कई साल आप कश्मीर से बात, पाकिस्तान से बात करते रहे,
आपका जो घोषणा पत्र है मेरे दोस्त, क्या आपने वो पढ़ा है? न्याय पत्र कहिए अजीत सर, अभी मैं बोल देता हूँ। आपने कहा सर, सुनिए सुनिए, मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने आपको रोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलने दूंगा, पर मेरे दो तीन सवाल। प्रदीप साहब एक एक लोग बात करें, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉन साहब आपको ऐसा लगता है? जॉन साहब उनको जरा फिनिश करने दो, देन विल जस्ट गो कर सब। हां देन बीच में नहीं बोलना चाहिए हमें। बोलिए बोलिए बोलिए, कभी सोचता नहीं, पर ये विषय ही ऐसा है। आप होने दीजिए मेरे एक सवाल का जवाब बस उनसे ले लीजिए। नहीं वो सवाल अभी एक घंटे की डिबेट है, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, बोलिए बालाजी पटेल जी बोलिए। तो अभी कश्मीर में वहां पे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के हालातों के ऊपर बीजेपी बात नहीं करती। उनको मारा गया, उनकी हत्याएं हुई, उसके बाद लद्दाख की हालत खराब है, उसके बाद कश्मीर में लोगों का मानव अधिकार, वहां के रोजगार की स्थिति, वहां के डेवलपमेंट की स्थिति बिल्कुल खराब है, और बीजेपी लोगों को झूठ बोल के आज देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटाकर फिर से कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान के इस झगड़े में अटकाना चाहती है, ताकि देश के 150-140 करोड़ लोगों का ध्यान उनको गुमराह किया जाए। और ये बीजेपी की पुरानी राजनीति है। आज भारत में हर जगह पे, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से, सर मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, अभी सुबह से मैं लोगों को मिल के आ रहा हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से जो बीजेपी ने आधे अधूरे काम छोड़े उस वजह से बाढ़ आई है। अखिलेश कटियार जी, इंडिया अलायंस कांग्रेस एसपी साथ में, तो जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने आर्टिकल 370 रेस्टोर करो, 35 रेस्टोर करो, पाकिस्तान से बातचीत करो, एलओसी के सामने ट्रेड हो जाए पाकिस्तान के साथ, ये सब अजीबो ग्रीन जो उनके मैनिफेस्टो में, कैसे आप हैंडल करोगे अखिलेश यादव कटियार साहब? अखिलेश कटियार साहब कैसे हैंडल? प्रदीप साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा तो मैं जो भारत जो कश्मीर की समस्या है वो एक काफी पुरानी, एक उलझा हुआ मुद्दा है नामियार साहब। हाँ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार चलाई है, ठीक है, वो दौर भी और उस पीडीपी के कारनामे भी, उनके कमिटमेंट भी पूरे देश से छुपे नहीं है। और जो वांगचू जी का जो संघर्ष है वहां के लोगों के लिए, वो भी बड़े लंबे समय से चर्चा में है। इतना संघर्ष उनका भी आंदोलन रहा, वो भी हमने आपने देखा है। और मैं अभी करीब 2 महीने पहले कश्मीर होके आया हूं, कोई लंबे समय पहले नहीं। वहां के रोजी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई जो बेसिक बदलाव है वो तो कहीं कश्मीर में हमें देखे नहीं। दूसरी बात, अब आपका कश्मीर में चुनाव है, कश्मीर की जनता अपने नेताओं को चुनेगी और चुने हुए लोग कश्मीर के लोगों के हित के लिए नीतियां बनाएंगे, किसको जनता स्वीकारेगी और किसको जनता नकारेगी, ये बात तो सामने तय हो जाएगी। ज्यादा लंबी बात तो है नहीं नामियार साहब। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल बात है अच्छी से अच्छी बात करना और बुरे से बुरा काम करना, पूरे 10 साल से इन्होंने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, कश्मीर जवान, भाई जो लोग गुजरात के लोग नेतृत्व कर रहे हैं कई जगह, तो ये भी सवाल उठाया जाता है कि कितने लोग गुजरात के लोग हैं जो सेना में नौकरी करते हैं। हम उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे क्षेत्रवाद पैदा होता है और क्षेत्रवाद के हम लोग समर्थक नहीं है। लेकिन राजनीति में जो किसानों के साथ, अभी जो हमारे मित्र पाटिल साहब ने जो बात उठाई, आप पूरे 10 साल का शासन पूरा हो चुका है, देश में रोजगारों की बेरोजगारी की हालत कहां पे खड़ी है आके? आप उसके जगह पे ले जाते हैं कि आप असली हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, कश्मीर की समस्या है, कश्मीरी के लिए हम लोग सुनते आ रहे हैं। भाई 10 साल हो गए हैं, कितने दिन आप और बातें समय गुजारेंगे, बातें करेंगे? परीक्षाओं का बुरा हाल है, आपने पेपर लीक को व्यापार बना के खड़ा कर दिया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जितने कई जगह पे, कई पुल गिर रहे हैं, कई रेल लड़ रही है, कई कुछ हो रहा है, धंधा और व्यापार के अलावा आम जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है। तो ये जो बातें, जो मुद्दे हैं, चाहे हरियाणा का मामला हो,
चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का बात है, झारखंड की बात है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नामब्यार साहब बीजेपी बड़ी मजबूती से उठाती रही, भाई चार राज्यों का और ये बाकी जगह पे भी इलेक्शन एक साथ हो सकते थे, वो बात भी टल गई, छोड़ देते हैं उस बात को। उत्तर प्रदेश में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हम सम्मान करते हैं, आप ये बुलडोजर जो तानाशाही जो संविधान विरोधी जो आरएसएस के प्रति जो आपका रुझान है और प्रो आरएसएस माइंडसेट से जो आप शासन का सत्ता का संचालन कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी है, ये जन विरोधी है, ये किसान विरोधी है, इन इन मानसिकताओं को रोकिए, जनता ने आपको इसके खिलाफ मैंडेट दिया है। समाजवादी पार्टी के साथी ने जो कहा कि हम कश्मीर की बात करते हैं, तो भाई साहब मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि हम कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि उस मुद्दे को हम अंत तक लेकर के गए हैं और ये मुद्दा हमें विरासत में मिला है, हमारी पुरखों ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया है। योगी सरकार ने समाजवादी के समय हुए घोटालों की एक लिस्ट निकाली है, मैं तो वो पढ़ता हूं, पर जिन लोगों ने क्षेत्रवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के और एक धर्म विशिष्ट को सिर्फ ये कहकर के भैया हम आपकी राजनीति चमकाएंगे और चमकाया तो उनको भी नहीं, ये कहकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेक की, भैया मुझे आप एक बात बताइए कि समाजवाद के तो हमारे भी बहुत बड़े नेता थे, बदौली में थे, पटवर्धन जी थे, एस एम जोशी जी थे, समाजवाद दिखता था, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, आपकी पार्टी में नाम के अलावा समाजवाद अब है कहा, इतने तो घोटाले कर गए, आपके जहां पार्टी के प्रमुख रहते हैं सैफ ही हमको लगता है कि किसी पुराने राजा महाराजा की भी ऐसी चारों शौकत नहीं, आए कहां से पैसे, इतने कहां से लेकर के आए पैसे, कहां से कमाए, जनता को लूट लूट के ही तो पैसे कमाए ना, आज दिखा दीजिए मोदी जी की व्यक्तिगत संपत्ति क्या है, दिखा दीजिए मेरे सर्वोच्च नेता पे एक आरोप लगा करके दिखा दीजिए, आपके सर्वोच्च नेता के भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं सुनाता हूं आता कश्मीर के मुद्दे पे, देखिए भाई साहब हमारा बोलने का राष्ट्रवाद नहीं है और सिर्फ किसी तरीके का आरोप लगा दो चुप हो जाओ, ये नहीं है, कश्मीर का मुद्दा देश का मुद्दा है, हम पीडीपी के साथ गए थे, मैं कहता हूं डंके की चोट पे गए थे, बात क्यों गए थे, आप भारतीय विचारों पर भारतीय तत्वों पर श्रद्धा रखने वाले लोग नहीं हो शायद, पर कभी कभी थोड़ा कौटिल्य और चाणक्य पढ़ लिया कीजिएगा, क्यों गए थे, उसके बाद पीडीपी की स्थिति क्या हुई, आज जिस तरीके के मजबूत कदम भाई नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ने उठा करके कश्मीर को इस तरह तरक्की की राह पर लेकर के वो गए हैं, पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनलों पर कश्मीर की एक वीडियो चलाई गई साहब, मैं ये कहता हूं ना प्रदीप जी, जिन नेताओं को अपने देश को गालियां देने में, अपनी सरकार को गालियां देने में बड़ा मजा आता है, वो थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया देखा करें, और मेरे महाराष्ट्र की तरफ आता हूं, कांग्रेस के मेरे साथी ने कहा कि हम जो विकास के काम कर रहे हैं उसकी वजह से बाढ़ आ रही है, मुझे हमारे एक बहुत बड़े नेता थे आचार्य अत्रे, उनकी उनके भाषण की याद आ रही है, अत्रे जी कहते थे कि ये इस तरीके की बात मैं नहीं करता हूं पर कभी कभी हंसी आती है, और अत्रे जी को बहुत पसंद किया करती थी महाराष्ट्र की जनता, अत्रे जी कहते थे कि भैया हमारे विरोधियों के घर बच्चा पैदा हो गया तो भी हमारी वजह से पैदा हो गया, ऐसा लोग बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या बोलते हैं उसको कुछ रिलेवेंस है कि नहीं। अजीत चौहान जी आरएसएस के संस्कारों की तरह बात कर रहे हैं, बहुत ही घिनौनी तरह से बात कर रहे हैं, अभी आरएसएस में चले गए, पहले पत्रकार रह चुके हैं वो, और आरएसएस के जो नीच घिनौने संस्कार है उन्हीं संस्कारों की तरह वो बात कर रहे हैं, इसका मैं आश्चर्य नहीं करूंगा, इस महाराष्ट्र में ये तो ये सुनते नहीं है, ये बहरे लोग हैं, ये सुनते नहीं है, सुनिए सुनिए हमारा, मेरी बात, ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है, अभी हमारा सुनिए, मैंने कहा कि बाढ़ आ गई है और वो बढ़ने के कारण जो है अधूरे विकास काम भी है, ये कहा है, अभी ये अभी मैं पुराव के साथ सबूतों के साथ मैं यहाँ पे जीवन देने वाले लोगों को संगठन को कभी समझ नहीं सकते, मुझे
दया आती है ऐसे लोगों की। मैं ये कहता हूँ अभी सर, अभी सुन लीजिएगा, मैंने इनसे पाटिल जी से मैंने एक सवाल किया था, मेरे मित्र आप मुझे कहिए क्या 370 फिर से बहाल कर देना चाहिए, इस पर आपका व्यक्तिगत मत क्या है ये मुझे आप पहले बताइए। नहीं नहीं अभी हम तो बात कर रहे हैं, मुद्दे से हटके मत, अभी सुनिए कि आपने जो कहा वो बहुत ही घिनौनी बात थी, अजीत चौहान जी को यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए जो आपने यहाँ पे कहा। सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए, ये जो आपने अभी घिनौनी बात कही है ना उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। एक तो आप सुनते नहीं है, बीजेपी के लोग बहरे हैं, मैंने कहा था महाराष्ट्र बाढ़ से बह चुका है और इसमें ये बाढ़ ज्यादा होने का एक कारण अधूरे विकास काम है। विजुअल्स में देख लीजिएगा कि वहां पे क्या हुआ है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सीता गोदावरी नदी की उपनदी है सीता नदी, उस पे आपके नेता भाजपा के नेता अशोक राव जी चौहान उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो पुलिया नहीं बनाई है ना, और दो तीन सालों से जितने भी है उस वहां पे पुल नहीं हुआ है। प्रदीप सर क्या 370 फिर से बहाल कर देना चाहिए, आपके साथी थे पहले तो नांदेड़ की बात बताइएगा मत, नांदेड़ को गुरुदा गद्दी से लेकर के अब तक हजारों करोड़ नांबियार साहब, क्या इनको चौहान साहब को रोकने की बीमारी नहीं है, ये संबित पात्रा स्टाइल बोल रहे हैं, उनकी बीमारी तो सभी प्रवक्ता को छोड़ कर दीजिए नहीं है। सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए, कैप्टन साहब 370 पर एक बार बोल दो फ्रॉम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जाता है न्याय पत्र वचन पत्र जिसको आप कह रहे हैं, आपने सवाल दिया बार बार बीच में बोल रहे हैं आप, आर्टिकल 370 पे कांग्रेस का के बारे में कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ लीजिएगा, उसमें हमारी भूमिका हमारे पार्टी ने वहां पे दे दी है, वो पढ़ लीजिएगा। तो आपका कोई अभी तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो मुझसे पूरा जवाब लिया जाए और ये कहते हैं मुझे पढ़ लीजिएगा कर लीजिएगा, भाई साहब आपकी पार्टी कश्मीर में कह रही है 370 फिर से देंगे क्या भाई, वहां पे हमारे हमारे घोषणा पत्र में आपको पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए ना, बीजेपी के लोग उथल पुथल की बातें करते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए थोड़ा सा बीजेपी के लोगों को लेकर के, भारत की जनता जो कश्मीर भारत का है उस कश्मीर के लिए ठीक है, चलो कश्मीर के मुद्दे पे ही बात करते हैं, अजीत चौहान साहब बोलिए पिछले पिछले पार्टी ये नहीं कह रही, बताइए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पे बीजेपी और आपके प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक 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 पॉइंट आपको विद सबूत के साथ दे दूंगा, आपके प्रधानमंत्री उसके ऊपर चुप क्यों हैं, क्यों चुप है, 370 पे इनका मत क्या है, ना बोलिए 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 तो भैया भागे क्या कर रहे थे आप, बेरोजगारी के ऊपर आपकी क्या राय है, बेरोजगारी के ऊपर आपकी क्या राय है, इस देश में बेरोजगारी के ऊपर क्या राय है, बदलापुर में दो बेटियों के ऊपर बलात्कार हुआ, आपके प्रधानमंत्री क्यों चुप है, क्यों चुप है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेच्यू गिर गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ, एक वोट नहीं मांग सकते प्रदीप जी, इस तरह से डिबेट नहीं होता, अगर इस तरीके माफी नहीं मांग रहे, भूमिका स्पष्ट करिए आप, पार्टी की भूमिका यहाँ पे विशद करने के लिए हूँ, व्यक्तिगत नहीं, और व्यक्तिगत और पार्टी के विचार आपके बोलने से दिख रहे हैं, किस नीचता के साथ आप बात कर रहे हैं, गणेश पाटिल जी आर्टिकल 370 में थोड़ा बात करके फिर हम लोग महाराष्ट्र इस पे आ जाते, क्या है आपका राय, कांग्रेस का क्या राय, फिर कटियार साहब के पास आते, मेरे आपको भाषण का ह्यूमर भैया समझ में आता है, मैंने महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे जिनकी वजह से हमें आप पत्रकार रह चुके हैं, आपको अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलने में मशहूर थे, उनके भाषण का एक कोट मैंने टीवी पे सुना है, मैंने भी आचार्य अत्रे जी को पढ़ा है, आपका गैरसमझ होगा कि आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी है तो निकाल दीजिए, मैंने आचार्य अत्रे जी को पढ़ा है तो वो बात नहीं है भाई साहब, दीजिएगा मुंबई की दादर चौपाटी पे कांग्रेस के नेता सका पाटिल के खिलाफ भाषण करते हुए आचार्य अत्रे जी का ये कोट है, अगर गलत है तो मुझे बता दीजिए, आपने आचार्य अत्रे जी के भाषण तो सुने ही नहीं होंगे, कांग्रेसियों को उनके भाषण सुनना गवारा नहीं गुजरता, क्योंकि कांग्रेस की हर तरीके की गलत नीतियों का आचार्य अत्रे जी ने उद्धार किया है, अब भैया जो अत्रे जी बोले वो मैं बोला कहां पे बोले मैंने आपको बताया,
किसके खिलाफ सर, अभी इतिहास में अगर जाना ही है सुनिए ना, कांग्रेस के अजीत चौहान जी आपको सही कीजिए, इतिहास के बारे में आचार्य अत्रे जी जिस संघ को नीच के दिया, मुझे नीच के दिया, मेरी विचारधारा को नीच के दिया। पाटिल साहब सार्वजनिक जीवन में अलग अलग तरीके की बातें जब आती है तो उनको थोड़ा समझ भी लीजिए सर। उनका खत्म होने के बाद हम दोनों बात करेंगे, मैं और अखिलेश सर। पहले बोल लेने दीजिए, वो बोल लेंगे तब हम बात कर लेते हैं। क्या आपकी पार्टी, अगर आपकी पार्टी 370 को कश्मीरियों को कह रही है, कश्मीर की जनता में जाकर के आप कह रहे हैं कि भैया हम 370 आपको फिर से बहाल करेंगे, अगर आप ये कर रहे हैं तो देश की जनता के समझ में आना चाहिए ये देशद्रोह है, राष्ट्र के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है और कांग्रेस भारत विरोधी है। आपको पाकिस्तान के साथ चर्चा करने में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको वहां के अलगाववादियों से चर्चा करने में बड़ा इंटरेस्ट है, ये तो हिस्ट्री है सर आपकी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस देश का घर का हर बच्चा शहीद हुआ है कश्मीर में, उनकी माओ को जाकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे ये तो आपके दादा परदादाओं की गलत नीति की वजह से हमने ये भुगता, देश के हजारों करोड़ खर्चा हुए, करोड़ों बच्चे मरे, कई बहने विधवाएं हुई, माओ को अपने बच्चे देने पड़े, तब कश्मीर आज हमारा है। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया है, पाटिल जी चुके हैं, लेकिन एंकरिंग नहीं भूले सर, एंकरिंग नहीं कर रहे यहाँ पे, डिबेट कर रहे हैं हम। वंस अ न्यूज़ पर्सन ऑलवेज अ न्यूज़ पर्सन। मेरा कोई मुद्दा गलत हो तो मुझे बता दीजिए पाटिल जी, मैंने गलत तो आपके पूरे मुद्दे हैं, आपका एक सही मुद्दा बता दीजिएगा, अभी आप मुझे बोलने देंगे या नहीं। आपकी पार्टी क्या 370 बहाल करने का वहां पे वचन दे रही है कि नहीं दे रही, और क्या आपको वो सही लगता है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। बालाजी पाटिल, गणेश पाटिल साहब, यू वांट टू आंसर टू दैट? अखिलेश सर बोलेंगे अभी, अखिलेश सर। मैं अखिलेश यादव, अखिलेश कटियार साहब, कटियार साहब आप जरा फिनिश कीजिए, इंडिया अलायंस का क्या स्टेटस है, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, अमित शाह जी का कहना कि आर्टिकल 370 अब्रोगेशन 35A के अब्रोगेशन के बाद कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसके बाद जो रिजर्वेशंस है, बैकवर्ड क्लास के जो रिजर्वेशंस है उनको मिले, जो उन्होंने कहा गुज्जर बाकरवाल पहाड़ी उनको आज के तारीख में रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या ये सच्चाई है? पहले नहीं मिल रहा था, आज 370 अब्रोगेशन के बाद सब कुछ खुला हुआ है, टेरर हॉटस्पॉट टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया, कुछ बात करेंगे कटियार साहब? और फिर अच्छा है, हाँ मैं चौहान साहब की शुरुआत करता हूं, फिर इस मुद्दे पे ही हम खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब ने कहा कि मेरे इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, कुर्बानी की बात है। अजीत जी और इंडिया गठबंधन के साथ इंदिरा गांधी जी का जो बलिदान है, राजीव गांधी जी का जो बलिदान है देश के लिए, उस पे हम आज बात करने के लिए नहीं बैठे हैं कि किसने बलिदान दिया है और कौन अंग्रेजों की गुलामी करके देश के खिलाफ काम करते थे, वो उसके विरासत और इतिहास पे हम जाएंगे ना तो वो लंबी बहस हो जाएगी ना म्यार साहब, किस कौन गद्दारी किया इस देश के साथ, ये पूरा देश जानता है, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दों के प्रति आपका समर्पण क्या है ये भी बताइए ना, गद्दारी किसने की देश के साथ, बताइए आप यार। मैं फिर चौहान साहब गलत बात है, ये बदतमीजी है यार, ये कटियार जी बोलिए, कटियार साहब बोलिए, आप बताइए आप ऐसे आरोप करके कैसे आ गए, पूरे हम पूरे डिबेट में चुप थे, फिर आप चुप नहीं होते हो यार। कटियार जी बोलिए 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 मुद्दे पर आइए, बोलिए कटियार जी, आपके बोलिए बोलिए, टाइम लगाने लगते हैं आप, कटियार जी बोलिए, ऐसे को थोड़ी डिबेट होती है यार, कटियार जी बोलिए बोलिए, कटियार जी बोलिए बोलिए बोलिए, इसको बदतमीजी कहते हैं ना, कटियार जी पूरा उदाहरण नहीं दे रहे सर आप, कटियार जी बोलिए, ये जवाब की बात है सब बोलेंगे आप, कटियार जी बोलिए बोलिए, कटियार जी बोलिए, ये बदतमीजी नहीं, कटियार जी बोलिए 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 ना कटियार जी, क्या नॉनसेंस आदमी यार बिठा दिया, चलो आपको बोलने को कुछ है नहीं, बस आप मुद्दों को हाथ लगा करके आगे जा रहे हो, पूरा बोलो तो सुने ली जवाब भी, आपका मिस्टर चौहान आपकी बारी आएगी तब बोलिए आप, बोलिए बोलिए कटियार जी बोलिए, नॉनसेंस डिबेट नहीं करते हम, कटियार जी बोलिए बोलिए बोलिए, चौहान जी जरा दो मिनट सुनिए ना कटियार जी का, बोलिए बोलिए खड़े, सही बात हो तो बिल्कुल सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे ये, बड़े कमिटमेंट करते हैं कि 15 लाख रुपए एक एक आदमी के खाते में आए थे, इनका मुद्दा था या नहीं था, कहां है मुद्दा, हो 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, कहां है मुद्दा, हो पेंशन देंगे, कहां है मुद्दा, हो हटाएंगे, कहां है मुद्दा, हो ये भी मुद्दे तुम्हारे ही थे ना, और अगर भाजपा के मुद्दे तो जमीन पे कितने उतरे, एक सूत्र पकड़ के बैठ जाओगे और पूरी डिबेट खराब कर दोगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है झूठ बोलना,
और इस देश को चूसना, इस देश में पर व्यक्ति आय कितनी है, अडानी अंबानी को आपने खड़ा करके उनके पैसे पर राजनीति करते हैं, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आती है, आप मुद्दे की बात करते हो। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख लिया है नामयार साहब। हर बात पे झूठ बोलना, देश से मुकर जाना, इस देश के किसानों ने जो किसानों के साथ जो रिश्ता इन्होंने व्यवहार किया है वो तो देशद्रोहियों के साथ नहीं किया जाता है। आंसू गैस छोड़ना, गोली चलाना, कीले ठोकना, खिलाड़ियों के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया आंदोलन करते रहे, ये जनता की बात करेंगे, ये मुद्दे की बात करेंगे तो ये बात अब टीवी पे अच्छी नहीं लगती। इनकी कोई भी डिबेट धर्म बीच में लाएंगे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बीच में लाएंगे, इस चीज को लाएंगे, मुद्दे की बात नहीं करते आप कुछ करप्शन के बारे में बोले थे अजीत चौहान जी, उसको बोलना चाहोगे? कटियार साहब उन्होंने कहा सैफी में करप्शन, इतने पैसे कहां से आए, उसमें कुछ चर्चा करेंगे आप, इनसे बोलना चाहेंगे तो? मिस्टर नामयार, हाँ बोलिए ना। पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं होता है, सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसमें देश को कैसे लूटा है वो देश ने नहीं देखा है। दुनिया के जो बाहर की एजेंसियों ने इनके जो फर्जी कंपनियों के माध्यम से देश के साथ जो घोटाले हुए देश ने नहीं देखा है। इस देश में जितनी लूट, जनता का खून चूसने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ नामयार साहब। और हमने आपसे पहले कहा था कश्मीर के अंदर जो क्षेत्रीय दल है उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, उनके बाद जो सदन में लोग चुन के आएंगे वो कश्मीर में क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा इस पे बहस सदन में होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से राजनीतिक दलों के गठबंधन होते हैं। हो सकता है फारूक अब्दुल्ला जी की अपनी राय कश्मीरियों के बारे में हो लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो सदन करेगा। हम लोग कश्मीरियों के रोजगार के लिए, कश्मीरियों के स्वाभिमान के लिए, हम मानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन आप सिर्फ बात करके इस देश में कश्मीर मुद्दे को भुनाओगे या कश्मीर में विकास का भी कोई काम करोगे? मैं 2 महीने पहले कश्मीर से आया हूं, कहां रोजगार दिया है आपने? और जितने वहां फार्मिंग होती थी वो एप्पल भी अडानी ही बेच रहे हैं, वहां पे माइनिंग के लिए भी अडानी दी जा रहे हैं। तो कौन से मुद्दे किस लिए है, किसके लिए है, ये अलग बात है। इस देश में झूठ बोलना, जनता को ठगना, किसानों को लूटना, ये जो इस समय एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुए सारी परीक्षाएं इनके गुजरात के जो लोग आके करवाते हैं उसको उद्योग बना दिया है, सारे छात्रों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन फिर भी चरित्र की बात कर रहे हैं। हमारे नेता ने जब बात खड़ी कर दी तो आपको बुरी लगती है? आप भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुझे शोभा नहीं देती नामयार साहब। अजीत चौहान जी, यू वांट टू रिटर्न टू दैट, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कहां से हुआ, कहां पहुंचे कश्मीर में, उन्होंने कहा कि ठीक है वी विल हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसमें आगे बढ़ेंगे, यू वांट टू टॉक ऑन दैट, देन वी विल गो टू बालाजी गढ़ी पटेल आफ्टर यू। बोलिए बोलिए चौहान साहब। जिनकी अपनी पहचान नहीं होती उनको दूसरों की हस्तियां गवारा नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश के एक बड़े जाने वाले शायर है, उनकी एक लाइन है प्रदीप जी। अब मैं देखिए समाजवादी पार्टी का तो ऐसा कोई इतिहास है नहीं कि उन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान दिया या कश्मीर के लिए वो लड़े। अब जब किसी का इतिहास है ही नहीं तो वो बोलेंगे क्या? अब बात की बात यह है कि हम पिता के आदेश पर वनवास को निकल जाने वाले राम को अपना भगवान मानने वाले लोग जिन्होंने सत्ता के लिए अपने पिताश्री को कहीं का नहीं छोड़ा, अब उनके बारे में ज्यादा क्या बोले? और उनसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे संस्कार सुनने पड़े तो मुझे लगता है कि कलयुग कलयुग जिसको हम बोलते हैं वो यही है, हंस चुगेगा दाना भैया कौवा मोती खाएगा, जिन्होंने जाति जाति में लोगों को लड़ा करके जाति के नाम पे वोट लिए और एक धर्म विशेष को उत्तर प्रदेश के और देश के लोग भूले नहीं है कि फर्क टोपी पहने हुए मौलाना समाजवादी के शासन में किस तरीके से दहाड़ लगा करके लाल किले को, देश को और संविधान को चुनौती देते थे। तो जिन लोगों ने धर्म विशेष की गुलामी करके और जाति जाति में फूट डाल के जिनको वोट मिल रहा है भैया, ऐसी सत्ता ऐसी सीटें आपको मुबारक, यह हमारा इतिहास नहीं।
बात यह मैं करूंगा कि देखिए, जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास पे ज्यादा खुश नहीं होता, ये तो है बात। अब जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान दिया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को लेकर के अंग्रेजों के साथ लड़े, अब उनका इतिहास जो इंदिरा गांधी जी को समझ में आता था, अब वो राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गलती मैं तो कहता हूँ राहुल जी पढ़ते हैं या नहीं पता नहीं, पर उनके सलाहकारों की गलती है, और उनका कह कह के उत्तर भारत के दूसरे विरोधी दल के नेता भी इस सब सारी चीजों में जब सम्मिलित होते हैं तो दिल को वेदना होती है। प्रश्न है कश्मीर का, और मैं आपको ये कह दूं कि हमारे इंडी के अगाड़ी के जो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को देश की जनता सवाल पूछेगी, और जब देश की जनता सवाल पूछेगी तो ये इसी तरह दुम दबाकर भागेंगे, क्योंकि कश्मीर में जाकर के ये कह रहे हैं कि भैया हम जितने आर्टिकल्स छीने गए फिर से आपको दे देंगे, हम आपको 370 फिर से लागू कर देंगे, हम फिर से पाकिस्तान को बुलाएंगे कि भैया आ जाओ चर्चा में आ जाओ। क्या प्रदीप जी, एक राष्ट्रभक्त भारतीय के नाते, एक पत्रकार के नाते, आपको लगता है कि एक भारत का प्रमुख विरोधी दल सत्ता पाने के लिए इस तरीके के ओछे आश्वासन जनता को दे और जनता इनसे सवाल भी नहीं पूछे? अब हमको कहते हैं मेरे दोस्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, भैया आप लोग मुस्लिम मुस्लिम करके सत्ता में आते हो तो क्या आपको ये लागू नहीं होता? आप जाति जाति करके सत्ता में आते हो, आपके नेता हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, हम भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, मैं विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री के तब से हर इलेक्शन में दौरे पे आ रहा हूँ, आपके नेता हमारा इस जाति का यहाँ प्राबल्य है, हम चुन करके आ जाएंगे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस देते हैं, तो क्या आप जातिवादी और धर्मवादी आप नहीं है? और प्रदीप जी, चर्चाएं होती रहेंगी, पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, अटल जी ने जिस तरीके से कहा था कि चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, देश रहना चाहिए, और मुझे लगता है सत्ता में आने के लिए देश तक को बेचने वाली, अगर कश्मीर इन लोगों को शुरू से इतना महत्वपूर्ण लगता सर, तो नेहरू जी की नीति आपके, तब से इन्होंने कांग्रेस के कारण देश के हजारों करोड़ बर्बाद हुए, कई लाख बेटे मरे, और फिर से ये वो करने जा रहे हैं। अजीत जी के जो सवाल है उनके जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ योगदान नहीं दिया, और उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत ज्यादा बीजेपी ने और आरएसएस ने योगदान दिया है, ऐसा जिक्र उन्होंने किया, और राहुल जी पढ़ते हैं कि नहीं ऐसा उनको संदेह है, तो मैं उनकी थोड़ी सी गलत फहमियां दूर करना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ताओं की, ताकि देश के सामने इस माध्यम से गलत इतिहास ना जाए। तो सबसे पहले तो मैं उनको इतिहास में बहुत रुचि दिख रही है, इतिहास में लेके जाता हूँ। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त जो जनसंघ कहा गया जाता था, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा के अलायंस में बंगाल और सिंध प्रांत में इनकी सरकारें थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सारी सरकारें बर्खास्त हो गई, कांग्रेस ने कर दी और छोड़ दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट में चले गए, उस वक्त सिंध प्रांत में और बंगाल प्रांत की दो ही सरकारें थी जो मुस्लिम लीग की थी, और अलायंस हिंदू महासभा के था, और उसमें इनके नेता, इनके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अर्थमंत्री थे, और ये हमको इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में हम कितने लड़े यहाँ पे झूठ रहे हैं। अखिलेश भाई ने सही कहा, ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और इनको सर आप पाटिल अजीत चौहान साहब, सर सर अभी इतिहास ये गलत इतिहास बोल रहे हैं, मुझे वो कहने दीजिए, जवाब दे दीजिए ना एक पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने मंत्रिमंडल में आमंत्रित क्यों किया था? मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनिए अभी वही उस मुद्दे पर आता हूँ। झूठ पहला, आपका पहला झूठ जो है
वो क्या है वो लोगों को बताने दीजिए। अब जो झूठा दूसरा झूठ जो बोल रहे हैं उसका भी जवाब दे दूंगा। तो देश का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त बीजेपी के नेता उस वक्त के अंग्रेजों के सामने दुम हिलाने का काम कर रहे थे, समझे? तो पहला झूठ देश के सामने मैंने आपका खारिज कर दिया। दूसरा झूठ, भैया देश का पहला सरकार बन रहा था, नेहरू जी के ऊपर आपने बहुत रुचि है, सुनिए अभी अभी क्यों लिया वो भी बताता हूँ ना। अरे पूछिए, हेडगेवार जी खुद कांग्रेस के सदस्य थे मेरे भाई, सुनिए, उनको कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं के विषय में लिए गए निर्णय अच्छे नहीं लगे, इसलिए संघ की स्थापना हुई। आपको संघ के बारे में चर्चा करनी है, इतिहास के बारे में करनी है, पाटिल साहब बोलिए बोलिए बोलिए, बारे में करनी है, नेहरू जी के विषय आप चुनिए, जवाब मैं दूंगा। बोलिए बोलिए, चारों में से एक विषय चुनिएगा। ये संबित पात्रा स्टाइल यहाँ पे डिस्कशन मत कीजिए। पाटिल जी मुझे एक बात बता दो पाटिल जी, नेहरू जी ने हम बात कर रहे थे कश्मीर के मुद्दे पे जी, आपको कौन से मुद्दे के ऊपर, अखिलेश जी इनको कौन से मुद्दे के ऊपर बात करनी है? आप अजीत भाई अपनी बात को इनको छोड़ो ना, ये चुप रहेगा, आप बोलिए ना, आप अपना टाइम लीजिए, अपना जो कह रहे थे यही। तो ये बात है कि ये बीजेपी वाले प्रदीप जी ये झूठ बोलते हैं, तो बात यह है कि ना इनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई है, और मुझे इतिहास के बारे में तो ये कहीं भी ले सकते हैं, ये चोर थे उस वक्त, ये सिर्फ मुखबिर थे अंग्रेजों के, मैं उनके ऊपर अभी आज के मुद्दे के ऊपर, महाराष्ट्र पूरी तरह से बारिश से बर्बाद हो चुका है, यहाँ के किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और यहाँ की सरकार उन किसानों को कुछ भी नहीं दे रही है। अदानी और अंबानी का तलवे काटने का काम महाराष्ट्र की सरकार आज कर रही है। यहाँ पे लाडली बहन के नाम से यहाँ के बहनों को गुमराह किया जा रहा है, और उन्हीं बहनों के जो पति है किसान, वो किसान पूरी तरह से उध्वस्त हो चुके हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दो दो मुख्यमंत्री चुप है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस महाराष्ट्र में आज लोगों ने महायुति की को बदलने का पूरा निर्णय ले लिया है, और इनकी सरकार किसानों के ऊपर पूरी तरह से अपयशी हो चुकी है, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, और जो फ्लड है उसके माध्यम से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके ऊपर इनकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। नांदेड़ में फ्लड्स के बारे में बालाजी गणेश पाटिल साहब बोल रहे थे कुछ, गणेश पाटिल साहब नांदेड़ के बारे में कुछ बताइए तो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर ले, किसान तकलीफ में है, आपका कहना मायूती कुछ कर नहीं रहा है। चौहान साहब जल्द, नांदेड़ में इनके जो नेता है खासदार राज्यसभा के अशोक चौहान, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 से 40 गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, अभी उनको किसी भी माध्यम से वहां पे कुछ हम पहुंचा नहीं पा रहे। मेरा खुद का गांव अभी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और वहां पे सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अभी अजीत चौहान जी अपने नेता को फोन करके पूछे, उन्होंने 1.5 साल से वहां का पुल खोद के रखा हुआ है, और वहां पे पुल नहीं हुआ है, अंदर सिर्फ एक दीवार बनाए के रखी थी जो मिट्टी की थी, जो काम के लिए दूसरा रास्ता जो बनता है ना वो था, तो उसकी वजह से पूरा पानी खेतों में चला गया, और मेरे तहसील में 1.5 से 2.5 हजार हेक्टर जमीन के ऊपर की पूरी फसल आज पानी के नीचे है, और इनकी सरकार और इनके खासदार कुछ भी नहीं कर रहे, ये निकम्मों की सरकार है, और अगले आने वाले चुनाव में मैं चौहान साहब को बोलता हूँ रिस्पॉन्ड देगा। अजीत चौहान जी, आप अशोक चौहान जी से पूछ लीजिए। कटियार साहब जरा 2 मिनट जरा थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अशोक चौहान जी छोड़ के आए थे बीजेपी में, बोलिए बोलिए चौहान साहब, यू वांट टू रिप्लाई टू दैट। अजीत चौहान जी, आदर्श के बारे में क्या हुआ इनके? एक मिनट बोलिए, गणेश पाटिल साहब जरा आप लीडर नहीं, लीडर के बारे में अभी अशोक चौहान चल रहा है, बोलिए अशोक चौहान के बारे में, अशोक चौहान बोलिए, चौहान साहब बोलिए। नमियर जी, हाँ हाँ, मेरे फाजिल दोस्त को मैं ये कहूंगा कि आदर्श से लेके तो सारे जो चीजें हैं इनका जवाब देने की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि सरकार थी कांग्रेस की। क्या बात है, इन्होंने ले लिया अभी बीजेपी में, उसका शुद्धिकरण हो गया। जरा सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना, अभी हम लोग वही चाह रहे हैं, 2 मिनट का सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। सुनिए, कोर्ट के द्वारा इस विषय में अशोक चौहान जी के बारे में क्या फैसला सुनाया गया है, प्रदीप जी आपके सामने
लैपटॉप होगा, आप उसके ऊपर गूगल कर लीजिएगा और साहब को उसका एक जो कॉपी है हाईकोर्ट के डिसीजन का वो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। दूसरा विषय है कि महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, कई जिलों में, मैं नांदेड़ की ही स्थिति देख रहा था, नांदेड़ में मेरे काफी रिश्तेदार है, मेरी आज दोपहर में बात हुई, ये हर साल होता है महाराष्ट्र में, हमारे नासिक से ही आगे गोदावरी जाती है और कई, सिर्फ मराठवाड़ा की ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश नहीं होती है फिर भी गोदावरी को फ्लड आता है, बाढ़ आती है, क्योंकि ऊपरी इलाके में इगतपुरी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर अगर बारिश हुई तो वहां पर बहुत ज्यादा। सरकार क्या कर रही है वो बोलिए। गणेश पटेल साहब दो मिनट सुनिए ना, उनका सुनिए ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, बोलिए बोलिए चौहान साहब बोलिए। कांग्रेस की 70 साल सरकार थी भैया, तब भी बाढ़ आती थी, आप लोगों ने क्या कर लिया बताने तो दीजिए। जब आप सवाल पूछते हैं तो सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। बोले बोले चौहान साहब। नांदेड़ के विषय में देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अकेले नांदेड़ का ये विषय नहीं है, कई जगह महाराष्ट्र में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और बारिश में सरकार किसी की भी हो, हमारी हो, विरोधी की हो, किसी को भी, किसी की हो, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कई गांवों से संपर्क टूटता है और ये आज का विषय नहीं है, ये पुल बन जाएगा तो संपर्क होगा ऐसा भी नहीं है, कई जो महाराष्ट्र में गांव है वहां पर पुल होने के बावजूद पुल के ऊपर से 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 फीट का पानी है। तो जिला प्रशासन अलर्ट जारी करता है, जिला प्रशासन कहता है कि बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके की कोई चिंता ना करें, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ के वहां पे टीम्स है, नांदेड़ की बात करूं तो नांदेड़ में भी एनडीआरएफ की टीम है, आपने देखा होगा प्रदीप जी, पुणे में बाढ़ आई थी, खुद मुख्यमंत्री गए थे, आज भी उप मुख्यमंत्री जी नागपुर में है, दोपहर के कार्यक्रम के बाद उन्होंने 3 घंटा पूरे स्टेट के बाढ़ का आढ़ावा लिया है, सारे कलेक्टर्स को सूचनाएं दी गई है जहां पर संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है तो सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिया के ऊपर से 5-6 फीट पानी है, जहां जहां पानी कम हो रहा है वहां तुरंत सरकार की यंत्रणा पहुंच रही है, हमारी सरकार ने जहां जहां जल नियंत्रण परिस्थिति गंभीर है वहां के सारे जिलाधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है, जिला प्रशासन की सारी छुट्टियां रद्द है, सबको कहा गया है अपने हेडक्वार्टर्स में रहे, हमने एनडीआरएफ के ज्यादा टुकड़िया जिस डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ कम है वहां से मूव ऑन कराई गई है और 3 घंटे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि कल गणेश जी है, हमको कोंकण की स्थिति भी देखनी थी, कोंकण की स्थिति देखी गई, हाईवेज की स्थिति देखी गई, मुंबई के आसपास के कई इलाकों में जहां हमेशा पानी भर जाता है आप देखते होंगे, उसके बाद जिस तरीके की बीएमसी की टीम तुरंत और दूसरी कई टीम्स को सूचनाएं दी गई है, आपने क्लियर कर दिया पूरे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गार्डियन मिनिस्टर्स ने बाढ़ के बारे में पूरी जानकारी ली और जल्द से जल्द सारी राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है। कटियार साहब, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, अखिलेश यादव जी ने कहा बीएचयू, बीएचयू गैंग रेप वाले जो बीजेपी आईटी सेल से कनेक्टेड था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वुमन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन में अनपार्डनेबल, कोई राहत किसी को नहीं मिलेगा, एक कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन। तो बीएचयू, बीएचयू जो गैंग रेप हुआ था, दो लोग जो बीजेपी आईटी सेल के उनको मिला है बेल, और अखिलेश यादव जी ने बहुत आलोचना किया योगी आदित्यनाथ सरकार का। कटियार साहब, लाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, ये लोग थे, मैं तो नाम लेता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम और विक्लिस भानो रेप केस के लोगों के साथ इनके क्या व्यवहार थे ये भी बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। दूसरी बात है नामब्यार साहब, जो ये जाति की बात कर रहे थे चौहान साहब, उत्तर प्रदेश में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब जिक्र किया तो उसमें निकल के आया कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के अधिकारों को लूट लिया, ये लुटेरे हैं पिछड़ों के अधिकारों के, और पिछड़े भी हिंदू है, आप हिंदू कह के गले लगाते हो फिर उनके अधिकारों को लूट लेते हो, ऐसा व्यवहार है आपका। आपने आईसीआर के अंदर 2700 वरिष्ठ साइंटिस्ट भर्ती किए लेटर के माध्यम से, कोई दलित पिछड़ा नहीं किया, तब वो हिंदू नहीं लगते आपको? आईएएस आपने लेटर एंट्री के बनाए,
का अधिकार लूट लिया आपने, तब वो दलित पिछड़े आपको हिंदू नहीं लगते, इसके लिए कांग्रेस से सवाल कीजिए ना, भीतर मत बोलिए। आपने आपने दलित और पिछड़ों के हक हिंदू के नाम पे जिस तरीके से लूटे हैं उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। आप अयोध्या भी हारे और चित्रकूट भी हारे हैं। आप हिंदू हिंदू करते हैं, आप इन इस हिंदू की आड़ में जो समाजवादियों को बड़ा शिक्षा चिकित्सा नौकरी रोजगार सब आपने राम किया है। कटियार साहब जवाब सुनिए सुनिए सुनिए, अजय चौहान साहब बोलिए। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि इन समाजवादियों को बड़ा गौरव महसूस होता है कि आप चित्रकूट हार गए, आप अयोध्या हार गए, इनके तो अयोध्या सांसद प्रभु रामचंद्र का नाम लेने में भी उनको शर्म आती है, संसद में भी उन्होंने नहीं किया। यार साहब जो मैंने सवाल खड़ा किया उस पे बताओ ना, शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटे की नहीं, लेटरल एंट्री में आईसीआर भर्ती के पिछड़ों का हक लूटे की नहीं, हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि नहीं पिछड़ों का जो हक लूटा है वो दीजिए। तो जब पिछड़ों और दलितों का हक आप डकैती डालते हो उसमें जवाब दो भाई, आप बताइए पिछड़ों और दलितों का हक लूटा है कि नहीं, पहले इस बात पे बोलो आप। सुनिए सुनिए कटियार साहब, इस मुद्दे प्रदीप जी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने सिर्फ दलित आदिवासी और पिछड़ों का नाम लेकर के राजनीति की और कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आने के बाद इन लोगों ने एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में क्या गुड़ गोबर कर रखा था कांग्रेस से पूछिए। मेरे जो साथी समाजवादी पार्टी के हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा भर्ती में ओबीसी के अधिकारों की लूट पे क्या आपकी राय है, जो आपने आईसीआर में लेटरल एंट्री के माध्यम से दलित पिछड़ों को नहीं भर्ती किया उस पे आपकी क्या राय है, उस पे बताइए। आप इतिहास में मत जाइए, उसको सब मुद्दे पर दो तीन मुद्दे पर बोलने दो उनको। भारतीय जनता पार्टी के जिस जिस राज्य में शासन है, खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, थोड़ा समाजवादी के मेरे भाई मुझे आप माफ करना क्योंकि बार बार हम महाराष्ट्र पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के उदाहरण कुछ सटीक बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अरे ओबीसी एससी एसटी छोड़िए, ये इनका अधिकार नहीं है, सुनिए मेरे को, आपने छोड़ ही दिया है, बीजेपी ने ओबीसी एससी एसटी तो छोड़ा ही, छोड़ दीजिए, छोड़ा ही रखा है, हम कहा छोड़ेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन तो खत्म ही करना है बीजेपी को, क्योंकि क्योंकि इन लोगों ने उस कास्ट से सिर्फ एक नेता बड़ा बनाया और पूरी कास्ट के ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया, ये इनका इतिहास है। महाराष्ट्र में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है हमारे दलित भाइयों के ऊपर, आदिवासियों के भाइयों भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, पूछिए इनसे। इनके कार्यकाल में इन्होंने जो बाकी था, जो शेष था, जो उनके न्याय का और अधिकार था, क्या उनकी भर्तियां की उन दलितों को, आदिवासी एक आदिवासी के ऊपर सुसु कर रहे थे इनके नेता, इतना सम्मान करते हैं जी। आंकड़े वाले के साथ मैं आपको बताता हूं, ये जब सत्ता में थे सुशील कुमार शिंदे जी, इन्होंने बगल दे दी बिल्कुल, जो अनुशेष था महाराष्ट्र के सरकारी नौकरियों में, जो अनुशेष था उस अनुशेष को खाली रखा। इसके बाद इनके कई मुख्यमंत्री आए, बार बार सत्ता आई, अनुशेष इन्होंने बिल्कुल नहीं भरा। चर्चा क्यों होने दे रहे हैं, हम किस मुद्दों से कहां से कहां आ चुके हैं, हमको इतिहास में एक मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां हुई, मैं आपको उसकी आंकड़ेवारी तक बता सकता अभी हूं। मैं इनके सरकार महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उनमें गवर्नमेंट की कितनी जगह खाली है मैं भी एक आंकड़ेवारी दूंगा, और पिछले दो ढाई साल में महायुति के सरकार में कितने दलितों के ऊपर अत्याचार हुए उसकी भी आंकड़ेवारी मैं दे दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं सर, ये गलत है। पाटिल जी शर्त लगाते हैं इसके लिए, अगर मैं झूठा साबित हुआ। अच्छा भाजपा वाले झूठ भी शर्त लगा के झूठ बोलते हैं, झूठ भी शर्त लगा के बोलते हैं। फिर से एक नया झूठ है अखिलेश सर, ये नया झूठ है।
नया झूठ। जब कांग्रेस सत्ता में आती है और ये नहीं पता कि इनका झूठ जनता जान चुकी है, वही तो झूठ से कुछ नहीं होना है। प्रदीप जी देखिए, विषय ऐसा है, हम बात कर रहे हैं दलित अत्याचारों की, दोनों हंस रहे हैं, कितनी घिनौनी। और आपके नेता ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर, जनता की ट्राइबल के ऊपर, मामा उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उसके ऊपर बात होती की ये भाजपा के नेता थे, इतना है इनको आदिवासी प्रेम। प्रदीप जी की घटना के, मैं एससी एसटी मेरे बहन भाइयों के साथ हुए अत्याचारों की बात कर रहा हूँ, और ये दोनों लोग नेशनल टेलीविजन पे हंस रहे हैं। नहीं नहीं, आपके झूठ के ऊपर हंस रहे हैं, आपके झूठ पे हंस रहे हैं, आपके झूठ पे हंस रहे हैं। आप इस कदर झूठ बोल रहे हैं सामने बैठ के, मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ। अरे सर, मैं तो दावों के साथ बोल रहा हूँ, मुझे बताइए और क्या बोला जाता है। आपसे पूछा कि मैंने पाटिल जी उत्तर प्रदेश में, पाटिल जी जो मैं आपको आंकड़े देता हूँ, कल प्रदीप जी आप ओबीसी को लूटा कि नहीं लूटा, एक शो लगाइए, मैं पूरी जानकारी लेकर के आता हूँ। जब जब महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में आती है, दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार में, उत्तर ये मेरा दावा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके बारे के साथ आता हूँ, आप कार्यक्रम लीजिए, आप दोनों हंस रहे हैं। तो क्या आप दलित एट्रोसिटीज पे हंस रहे हैं कटियार साहब? इनके झूठ बोलने पे हंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न में सरकार के डेटा है कि उत्तर प्रदेश नंबर वन है, देश भर में महिलाएं अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में, और आप झूठ बोले जा रहे तो हंसेंगे नहीं कि नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे। प्रदीप जी दूसरी बात को आप बताइए, जाति की बात करते हैं, आंकड़ेबाजी तभी बढ़ती है, आपको आंकड़ेबाजी तभी बढ़ती है कि एम्पायर लॉस होता है। आपको समाजवादी पार्टी के शासन में अजीत जी एक स्पेसिफिक सवाल का, अजीत जी एक स्पेसिफिक सवाल का हमें जवाब दीजिए जो अखिलेश जी ने पूछा। अजीत सर एक ही सवाल पूछूंगा और ईमानदारी के साथ उसका जवाब दीजिए। अखिलेश पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 370 फिर से बात करेंगे, इस पर आप लोग वही आएंगे, जनता के मुद्दों पे आप कोई बात नहीं करा था, आप उसका पहले मुझे जवाब दे दीजिए। पाटिल जी मैं आपके हजार सवालों का जवाब दे दूंगा, 370 कश्मीर में फिर से बहाल आप दीजिएगा कि ये जो सुसु किया दलित के ऊपर, उसके ऊपर पिछड़े वर्ग के ऊपर आपके नेता ने सुसु किया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो हम साथी हैं, हम अगले 50 साल प्रदेश में राजनीति करने वाले हैं। पाटिल जी मैं बड़ा आपका आदर करता हूँ, मुझे आपका आदर ना करो, जब जानना है मुझे जानना है कि मेरे साथी आदर बाद में कर लेंगे कि हम 370 को वापस, क्या आदमी है यार प्रदीप जी, कहां क्या चल रहा है? आप बस सुनिए, मेरा कहना कि आपका नांदेड़ वाला समस्या हल हो गया कि नहीं? आपने अशोक चौहान जी को बोल रहे थे कि अशोक चौहान जी पहले, अशोक चौहान जी आप ही के पास, अशोक चौहान जी के ऊपर बात कीजिए, आप ही के पास थे वो, आप बोल रहे कि 1.5 साल अभी इधर आके कितना टाइम हुआ, कितना वक्त हुआ बीजेपी में आके? फरवरी में चले गए है ना, उसके पहले श्वेत पत्रिका निकाली थी इन्होंने, उसके बाद उसको डर के वो चले गए, और वहां पे जाने के बाद उनको एकदम भ्रष्टाचार मुक्त और फ्रेश कर दिया है बीजेपी ने वॉशिंग मशीन से। तो आप नांदेड़ से हो, आप कह रहे हैं कि अशोक चौहान करप्ट है? नहीं, बीजेपी कहती थी सर, ये तो बीजेपी कहती थी, इनके नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वो दोनों तो झूठे नहीं हो सकते ना, फडणवीस और मोदी जी ये झूठे तो नहीं हो सकते, उन दोनों ने कहा कि ये करप्ट है अशोक चौहान जी, कहा कि नहीं? अजीत चौहान जी बोलिए, कहा कि नहीं? मगर मैं कटियार साहब मैं पूछ रहा हूँ दोनों से, मीन्स दोनों महाराष्ट्र के लीडिंग स्पोक्स पर्सन है, अब एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड़की बहन स्कीम लेके आया है, एकनाथ शिंदे जी पहले ये नांदेड़ का मुद्दा पहले खत्म कर देते हैं, नांदेड़ में तो आप दोनों स्टेलमेट है ना, बिकॉज आपके पास थे चौहान साहब, अशोक चौहान जी अभी 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 जनवरी में इस तरफ आए हैं, तो दोनों ये मगर ये जो 3-4 बेनिफिशियल गरीब कल्याण स्कीम्स, क्या इसमें कुछ फायदा होगा महाराष्ट्र को और पूरे देश में, क्या एक मिसाल बन के रह गया लाड़की बहन सी? नाम्यार साहब हाँ बोलिए कड़ियर साहब, बीजेपी के किसी स्कीम का अगर पहले जो आई थी उससे जनता को फायदा हुआ होगा तो इससे भी होगा, अगर पीछे किसी स्कीम से फायदा नहीं हुआ होगा तो इससे भी नहीं होगा। तो आपका कहना कि पीएम किसान 80 करोड़ लोगों को खाना देना,
जमीन पे कहां आती है? आवास योजना महिलाओं को दे दिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान, नल से जल, हर घर शौचालय, तो ये क्या पहुंचा नहीं है लोअल कटियार साहब? जमीन पे कोई प्रभाव नहीं है, ये सब पेपर पे चली है, जनता में हाहाकार है और सब योजनाएं पेपर, ये पेपर पे है, जमीन पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। चौहान साहब, ये क्या सिर्फ पेपर पे 15 करोड़ टॉयलेट बना दिया, आयुष्मान में 12 करोड़ है, स्वच्छ भारत के आवास योजना 4 करोड़, तो ये पेपर में है, किसी को घर वर मिला नहीं है? चौहान साहब देखिए, प्रादेशिक पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ा बड़बोली बातें करने से बचना चाहिए। अरे मैं तो नहीं, मेरा 8 बजे से कार्यक्रम था, कांग्रेस के मेरे साथी ने जवाब नहीं दिया मुझे कि 370 फिर से बहाल करेंगे इस मुद्दे को लेकर, समझ गया व्यक्तिगत मत क्या है। दूसरा विषय मैं ये कहूंगा कि सर समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी तो राजीव जी नहीं है कि देश के नेता, क्या आपके नेता मेघालय जाते हैं उनको सुनने लोग आते हैं, क्या आपके नेता कोडाईकनाल जाते हैं उनको सुनने लोग आते हैं, क्या आपके नेता महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे रायगढ़ के पास किसी छोटे से गांव माणगांव महाड़ में आ जाएंगे तो उनको सुनने लोग आते हैं? गणेश पाटिल जी ऑन द स्क्रीन, हम कहां है और हमारा स्तर क्या है, इसको समझ करके बयान देना समझदारी का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि झूठ फैलाकर कुछ सीटें आ गई है तो इंडी के लोगों को लगता है कि हम, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए, इन लोगों को दलित और पिछड़ों और आदिवासियों के साथ कुछ गलत करना है इसलिए इनको सत्ता चाहिए, तो मुझे लगता है ये सारी झूठी बातें जो है देश की जनता समझ गई है। जो लोग खुद राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है, और इस कार्यक्रम में मैं पाटिल साहब को ये सलाह दूंगा, मेरे मित्र है वो, और मैं उनको ये कहूंगा कि उन्होंने अंत तक मुझे जवाब नहीं दिया कि 370 के बारे में, 370 के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय क्या है। मुझे बिल्कुल पता होगा इस देश के युवा के नाते 370 फिर से बहाल नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उनको लगता होगा, पर सर जो पार्टी आपको व्यक्त होने का मौका नहीं देती और देश विरोधी वक्तव्य उनके मुंह से आखिरी तक नहीं निकला, मैं अभिनंदन करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री पाटिल जी का कि वो अपनी पार्टी से असहमत है, वो बता नहीं पाए, पर दिल में उनके वही होगा क्योंकि हर भारतीय के दिल में तिरंगा है, जय हिंद है, हमारे शहीदों के प्रति सम्मान है। तो सर जो पार्टी इस तरीके से हमारे विचारों के खिलाफ काम करती है ना, जो आपके विचारों के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा बर्डन मत ढोइए, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत बड़ा है, हमको भी मालूम है, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत काम किया है, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम हम बड़े गौरव से और बड़े 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 बड़ा दिल करके लेते हैं क्योंकि उन्होंने सही में देश के लिए योगदान दिया था। एक दो नाम बताइए सर, एक फैमिली की बनने के बाद, एक दो चार नाम बताइए के बाद, अजीत सर एक दो चार नाम बताइए, क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस, अजीत सर एक दो चार नाम बताइए इतिहास में से जिनका काम पसंद है कांग्रेस के नेताओं का, क्या कांग्रेस ने एक परिवार के लिए पूरे देश को हमेशा ताक पर नहीं रखा और कश्मीर के मुद्दे को हम लोगों ने रक्त से सींचा है? अगर फिर से कांग्रेस इस विषय में देश के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी तो कांग्रेस को ये सारी चीजें भोगनी पड़ेगी। सर फाइनल वर्ड बालाजी गणेश पाटिल, फाइनल वर्ड एक मिनट में समाप्त कीजिए, फिर से मैं समाप्त कर लेते। मैं सर आधे मिनट में खत्म कर दूंगा, मुद्दा सीधा बात है कि देश में आज बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र में आज बाढ़ का मुद्दा बहुत बड़ा है और देश में इन दोनों मुद्दे के ऊपर इस देश की केंद्र की और हमारे राज्य की दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनता महाराष्ट्र की आने वाले चुनाव में इनको इनकी जगह दिखाएगी। इसी शब्द के साथ इनका बहुत ज्यादा झूठ सुना है, अभी मेरी इतना ज्यादा झूठ सहन करने की शक्ति नहीं है, मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। नहीं ये ताने 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 मत मारा कीजिएगा पाटिल जी, ताने नहीं सर, पाटिल दिलखुलास होता है, पाटिल इस तरीके से ताने नहीं मारता, ताने मार के डिबेट मत खत्म कीजिए, मैंने झूठ क्या बोला बता दीजिए। चलिए
जाते जाते मैंने क्या क्या बोला, अगर वो बोल देंगे तो मैं क्या बोला वो बता दूंगा। देखिए चर्चा के कुछ नियम होते हैं पाटिल साहब, मैंने इतने खुले दिल से आपके साथ चर्चा की। बिल्कुल चौहान जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप बहुत बड़े आपने आपको मैंने कहा है, लेकिन आपने अशोक चौहान जी के मुद्दे के ऊपर कुछ कहा ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा अशोक चौहान जी के बारे में भी मैंने कहा, आपने सुना ही नहीं। आपने कहा सर आपकी सहूलियत खत्म नहीं कर रहे तो मेरा सुनिएगा, व्यक्तिगत रूप से हिसाब से सुनिए, मेरी बात सुनिएगा पाटिल जी। मैं सर वो पीछे नीचे जो वीडियो दिख रहा है ना, वो वीडियो देखिए ना, अशोक चौहान जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देखिए, मैं वहां पे गया हूँ, मैं खुद हूँ। व्यक्तिगत रूप से किसी भी चर्चा में जब आप जाइएगा तो कौन झूठा कौन सच्चा, विचारधारा भले ही अलग हो सकती है, आपका जवाब मुझे नहीं मिला पर जाते जाते मैंने आपका सम्मान नहीं किया। आप मुझे अगर देश के लिए मेरे कश्मीर के लिए अगर आप मुझे झूठा कह रहे हैं तो चलिए मैं झूठा ही सही, हम झूठे ही मरेंगे, कश्मीर के लिए मरेंगे, देश के लिए मरेंगे, आप सत्ता के लिए जीवित रहे। ट्रेनिंग सर ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, अगर इस तरह से नेक्स्ट लेवल का झूठ बोलना संगति शाला में सिखाते हैं। और अजीत चौहान जी जब एंकर थे, अजीत चौहान जी जब एंकर थे तब आने वाली इतने झूठे नहीं थे, अभी वो पूरा ट्रेन हो चुके हैं, कोई बात नहीं। पर व्यक्तिगत परिस्थिति खराब है। थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं। सर प्रदीप जी, प्रदीप जी प्लीज प्लीज, प्रदीप जी एक मिनट सुनिए, चौहान साहब जरा सुनिए, तो एक मिनट चौहान सर बोलना चाहते हैं। चौहान सर, चौहान सर प्लीज एक बात मुद्दे की करता हूँ, मैं कुछ बकवास नहीं करूंगा। मेरी विनती है चौहान जी, और मैंने निवेदन भी यहाँ कलेक्टर को दिया है, महाराष्ट्र में जो जो किसानों के नुकसान जिन जिन जिलों में हुआ है वहां पे पंचनामा ना करे हुए वहां पे दुष्काल घोषित किया जाए, ड्रॉट घोषित किया जाए, और उन किसानों को इन पेपर्स में बिना अटकाए हुए डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए, उनको पैसे दिए जाए ताकि वो जी सके, इतनी मांग करता हूं मैं। अजीत जी अपने मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए हमारे महाराष्ट्र के, बस इतनी विनती है, किसान हूं बोल रहा हूं, बाकी तो जमीन पे हम लड़ेंगे। चौहान साहब यू वांट टू रिप्लाई, ये सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने जो सूचना की मैं उसका सम्मान करता हूँ। 3 घंटे से नागपुर से आदरणीय डीसीएम जी और सीएम साहब मुंबई से इस पूरी स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, ये सूचना बहुत ही अच्छी है। और पाटिल जी मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आश्वासन देता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, इस साल मैंने मकई लगाई है, तुअर लगाई है, और बड़ी सीरियसली मैं खेती करने वाला किसान हूँ। आपकी सूचना बेहद अच्छी है, और शायद इस पर अमल हो जाए कि कुछ टेक्निकल बातें पंचनामा जैसी हम ना करते हुए सीधा जो दुष्काल है, ओला दुष्काल मराठी में जिसको कहते हैं, गीला अकाल, ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से वो जाहिर कर दे, तो मैं जरूर कहूंगा पाटिल जी, ये मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके, डीसीएम जी से संपर्क करके मैं जरूर कहूंगा। Thank you so much, Ajit Chauhan sahab. Thank you so much, Balaji Gade Pandit sahab. Last we end the debate with fantastic results. Aapne problems bhi hai, solution bhi hai. Hopefully everything will be good for the kisan of Maharashtra. Jo kisan hai, unka kuch acha, you know, the duskal jis prakar se means the flooding jis prakar se dekh rahe. It's very serious issue. Aur Ajit Chauhan sahab ne acknowledge kiya, Balaji Gade Pandit sahab ne isko highlight kar diya, and we hope there'll be a solution. Thank you so much. Thank you so much, Pradeep ji. Thank you so much, both of you. Thank you very much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." Justice is social, economic, and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. We talk about liberties, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. The right to life, liberty, and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, believing in eternal brotherhood, believing the territorial integrity and the political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, you hear the bell. You need to click to. Aap click kijiye Nation Now and you get the latest updates. As we always end saying, it's a fundamental duty of all political parties. It's a fundamental duty to see that the pillars of the Constitution are safe and secure. If the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives, the Constitution survives, because if the Constitution survives, the people survive, the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.